ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा के पंजाब से सटे मंड क्षेत्र में अवैध खनन थमता नजर नहीं आ रहा है। आज मंड क्षेत्र दर्जनों गांवों के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों का आरोप है कि अवैध खनन की वजह से उनका जीना दुश्वार हो गया है। जिला कांगड़ा के पंजाब से सटे मंड क्षेत्र में अवैध खनन थमता नजर नहीं आ रहा है। मंड क्षेत्र दर्जनों गांव के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों में मंड मियानी, स्नोर, बसंतपुर, पराल, मंड, इंदौरा के लोगों का आरोप है कि अवैध खनन की वजह से उनका जीना दूभर हो गया है। हालांकि पंजाब सरकार भी इससे चिंतित है और पंजाब सरकार ने पठानकोट और जिला कांगड़ा के जिलाधीशों को इस बारे में कार्रवाई को कहा है, लेकिन अवैध खनन है कि थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और यदि एक माह के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें आंदोलन करते हुए चक्का जाम करने को मजबूर होना पड़ेगा। अवैध खनन से प्रभावित और गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेताया है कि एक माह के भीतर अवैध खनन पर कार्रवाई न हुई और मंड क्षेत्र में चल रहा क्रशर बंद न करवाया गया तो मिलवा में चक्का जाम किया जाएगा तथा सरकारी कार्यालयों का भी घेराव किया जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन करके सामग्री पंजाब ले जाई जा रही है। 100 रुपए की जीएसटी पर कई टनों के हिसाब से खनन सामग्री ले जाई जा रही है। ज्ञापन देने आए ग्रामीण जितेंद्र कुमार का कहना है कि इंदौरा व फतेहपुर क्षेत्र में अवैध खनन की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल 40 फीट तक पहुंच गया है, जो पहले 12 और बाद में 15 था। अवैध खनन की वजह से 30,000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में खेती बाड़ी काफी होती थी, लेकिन अवैध खनन से वो भी प्रभावित हुई है। बच्चों का भी वहाँ से गुजरना दूभर हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े वाहनों वाले जो खनन सामग्री लेकर जाते हैं बच्चों को रास्ता नहीं देते और कई बार दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं। मंड क्षेत्र के लोगों ने अवैध खनन के बारे में ज्ञापन सौंपा है, जिसके संबंध में आगामी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए एक माह के भीतर कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे इलाके में 40 से 50 फुट तक इलीगल माइनिंग हो रही है, उस जिस कारण हमारा खेती बाड़ी जीवन प्रभावित हो रहा है। 30,000 फैमिली हमारी खेती बाड़ी पे डिपेंड है और हमारा पानी का ग्राउंड लेवल वाटर डाउन जा रहा है। पहले हमारा ग्राउंड वाटर लेवल 12 फीट था, फिर 15 हुआ, आज 40 फुट तक जा रहा है। जबकि हमारे इलाके में ब्यास नदी बहती है, वहाँ पानी का ग्राउंड वाटर लेवल डाउन जाने का कोई कारण नहीं है। कारण है तो वो इलीगल माइनिंग है। इलीगल माइनिंग कम से कम भी 50 से 60 फुट तक इलीगल माइनिंग हो रही है, जो कि कानून के खिलाफ है और एनजीटी के कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है, इतनी डस्ट उड़ती है कि फसलों पे बैठ जाती है और उसमें फल नहीं लगते हैं। फल लगता है तो बहुत कमज़ोर होता है। हमारे डेलीगेशन में 5 पंचायतों के लोग आए हैं, मंड मियानी पंचायत, पंचायत बसंतपुर, पराल पंचायत, सनौर पंचायत और मलकाना पंचायत, मंड इंदौरा पंचायत। अगर एक महीने में कार्रवाई नहीं की गई ओवरलोडेड व्हीकल और इलीगल माइनिंग के ऊपर, तो हम इंदौरा के जो भी दफ्तर हैं या एनएच जो हिमाचल के साथ लगता है, उसको हम बंद कर देंगे। स्कूल बच्चों को भी जाने आने में दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रक वाले साइड नहीं देते हैं और बच्चों को ज़मीन में या खेत में नीचे उतरना पड़ता है। और कई हादसे भी हुए हैं, कभी ट्रैक्टर पलट गए, कभी ट्रक पलट गया, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी इन्होंने। रेलवे पुल को खतरा है इसे सर, और पोंग डैम 52 गेट हैं, वो भी उसके पाँव उखाड़ दिए इन्होंने माइनिंग कर करके। हमारे ऊपर पोंग बांध है जिसको खतरा है। पंजाब सरकार कई बार बोल चुकी है, हिमाचल सरकार, डीसी कांगड़ा और डीसी पठानकोट को, कि आप दोनों मिलकर पोंग बांध के ऊपर देखो, क्योंकि पोंग बांध का नीचे का हिस्सा दिन बाई दिन डाउन होता जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये डैम टूट सकता है, जिससे हमारा हिमाचल तो छोड़ो, पंजाब और पाकिस्तान तक भी नहीं बचेगा, यहाँ तक वहीं पहुँच जाएंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, अभी शिकायत इन्होंने हम लोगों को दिया, एक प्रतिवेदन रिप्रेजेंटेशन भी इनसे प्राप्त हुआ है। एक तो इनको तरफ से रिक्वेस्ट हुई कि मुख्यमंत्री महोदय को इसे अवगत करवाया जाए, वो हमने रिसीव कर लिया है, और जो भी कानूनी कार्रवाई हम एसपी साहब को भी लिख रहे हैं कि वो इस पर कार्रवाई करें और एनजीटी के जो आदेश हैं उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो। नहीं, कार्रवाई उससे पहले होगी, क्यों नहीं होगी।